केआरके को 14 दिन की रिमांड में जेल हुई है। इस पे हमारे केआरके साहब का कहना है, अरे कौन कहता है मुझे जेल हुई है रिमांड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में दिन पे दिन घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं एक केस झारखंड से ऐसा सुनने में आया, शहरूख खान नाम का लड़का अंकिता सिंह नाम की लड़की को प्रपोज करता है और जब वह लड़की उस लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो शहरूख खान उस लड़की के घर जाकर उसके खिड़की से पेट्रोल डालकर उस लड़की को जला देता और वह लड़की 90% जल जाती है। और उस लड़की ने हॉस्पिटल में अपना स्टेटमेंट भी दिया एंड फाइनली उस लड़की की अभी डेथ हो चुकी है। तो इस केस में बहुत से लोगों का बयान आया, जहां हम आपको फ्लाइंग बीच ने इस केस के ऊपर क्या कुछ कहा बताने वाले हैं। तो उन्होंने इस केस को लेकर ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा कि क्या लोगों के अंदर से इंसानियत मर चुकी है, जो एक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने पर लोग जिंदा इंसान को जला दे रहा है। तो फ्लाइंग बीस्ट ने कुछ इतना ही कहा इस केस को लेकर। तो इस रिएक्शन के ऊपर आपका कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड सेकेंड न्यूज ये रही, वो केआरके की तरफ से आ रही। जैसा आप जानते हैं केआरके को कल मुंबई एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद केआरके को लेकर बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि केआरके बॉलीवुड के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वह हमेशा बॉलीवुड को ट्रोल करते रहते हैं। तो आज ऐसी आफत आ चुकी है कि केआरके को लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो कॉमेडियन सुनील पाल ने केआरके को ट्रोल करते हुए क्या कुछ कहा, आप देखिए उनकी खुद की वीडियो में। बॉलीवुड को हमेशा अपनी मर्जी से क्रिटिसाइज करने वाले केआरके को 14 दिन की रिमांड में जेल हुई है। इस पे हमारे केआरके साहब का कहना है, अरे कौन कहता है मुझे जेल हुई है रिमांड हुई है, मैं तो विदेश से आया हूँ ना, इसलिए मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। वाह, कौन कहता है कि आदमी नेगेटिव है, व्हाट अ पॉजिटिव मैन, कहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट से समझ जरूर लिखें। एंड आप झारखंड के उस केस को लेकर क्या सोचते हैं, उस पर भी अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।